हेलो सिविल इंजीनियर्स माई सेल्फ राहुल कोहली आई एम कॉर्पोरेट ट्रेनर फॉर यू आई वेलकम टू रीनीफो डिजिटल प्लेटफॉर्म आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जितने भी आपके मशीनरीज होते हैं इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे इंजीनियर्स को इन सबका नॉलेज नहीं होता है कि कौन सी मशीन का क्या नाम है इस मशीन का क्या स्पेसिफिकेशन है क्या काम करती है चीज़ें तो उन्होंने बहुत सी देखी होती है जैसे आपकी मशीनरीज़ में कौन कौन सी मशीनरीज आ रही हैं साइट पर रोज़ एक नई मशीन आती है उसका नाम क्या है तो आज मैं उसके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो हमारे सीक्वेंस से बताएगा कि कौन सी मशीन कहाँ पर यूज होती है तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज की मेन सीक्वेंस ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जैसे कि एक्सकेवेशन में आपकी कौन सी मशीन लगेगी पीसीसी में आपकी कौन सी मशीन लगेगी कंक्रीटिंग में कौन सी मशीन लगेगी आपका बार बेंडिंग में कौन सी मशीन लगेगी कॉम्पेक्शन में कौन सी मशीन लगेगी और लिफ्टिंग और हैंगिंग में आपकी कौन सी मशीन लगेगी तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका एस्केवेशन में कौन कौन सी मशीनें लगेंगी सबसे पहले आती है आपकी बैक हुई लोडर फिर आता है आपका एस्केवेटर। फिर लास्ट में आपका आता है पाइल मशीन सबसे पहले हम देखते हैं बैक हुई लोडर के बारे में फ्रेंड्स इस मशीन का नाम होता है बैक हुई लोडर आप लोग इसको जेसीबी के नाम से भी जानते होंगे मैं आज आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये इसका नाम जेसीबी नहीं है इसका नाम है बैक हुई लोडर जेसीबी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स बनाती है आपने बहुत बार देखा होगा कि कहते हैं कि जे आ गई जे आ गई इस मशीन का नाम है बैक हुई लोडर ये मशीन इसलिए इतनी फेमस है क्योंकि जे आपका नाइनटीन से स्टेब्लिश है और तभी से कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स बना रहा है इस वजह से ये आज तक प्रचलित में है कि ये जेसीबी इस मॉडल का नाम जेसीबी है इस मॉडल का नाम है थ्री डी एक्स टू इन काम करती है इस वजह से इसको ज़्यादातर जेसीबी के नाम से ही जाना जाता है तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्केवेटर पोकलिन मशीन इस मशीन को हम एस्केटर कहते हैं बहुत से लोग एक्केवेटर भी कहते हैं हाइड्रोलिक एस्केवेटर भी कहते हैं पर इसका नाम है पोकलिन मशीन पोकलिन मशीन इसलिए होती है इसके जो फ्रंट बकेट होता है बहुत हैवी होता है और ये थ्री सिक्सटी डिग्री डिग्री रोटेट करके भी एक्सिवेट कर सकती है इसका टायर्स की जगह चेन लगा होता है तो ये इजीली आपका मड में कीचड़ में ये ड्राइव कर सकती है थर्ड आता था है आपका पाइल मशीन पाइल मशीन में सबसे ज्यादा फेमस आपकी मैट मशीन होती है मैट मशीन क्या काम करती है आपका जितने भी फ्लाईओवर हैं ब्रिजेस हैं फुट ओवर ब्रिजेस हैं उसमें आपका पाइल फाउंडेशन यूज होता है पाइल फाउंडेशन जो हम करवाते हैं उसमें सबसे ज्यादा आपकी पाइल मशीन यूज होती है जिसका नाम होता है मैट मशीन और भी बहुत सी और भी बहुत सी कंपनीज की मशीन यूज होती है बट ज्यादातर हम प्रीफर मैट मशीन को करते हैं इसका अगर हम बात करें तो ये एक बार में 50 मीटर तक डेप्थ में एक्कीशन कर सकती है तो चलते हैं आपका पीसीसी और कंक्रीटिंग में सबसे पहले आपकी मशीन आती है कंक्रीट मिक्सचर फिर आता है आपका ट्रांजिट मिक्सर फिर आता है आपका बैचिंग प्लांट कंक्रीट मिक्सर कंक्रीट मिक्सचर आपने देखा होगा कि जो हमारी छोटी जगहों पर हमें जो भी हमें कास्टिंग करनी होती है जैसे स्लैब कास्टिंग करनी होती है फुटिंग कास्टिंग करनी होती है कॉलम कास्टिंग करनी होती है तो उसके लिए हमारा ये छोटा मॉडल आता है जो कि है आपका कंक्रीट मिक्सचर यहां पर इसका इंजन फिट होता है जिसको जनरेटर बोलते हैं ये रोटेट होता रहता है इसमें आप सीमेंट सैंड एग्रीगेट डालते हैं जो मिक्स सीमेंट सैंड एग्रीगेट डालते हैं वाटर डालते हैं मिक्स होकर जो स्लरी निकलती है वो इस टाइप से निकलती है जिसको आप फुटिंग में कॉलम में स्लैब में जितने भी आपके आर सी होते हैं आप उसमें इसको प्रोवाइड करते हैं फिर आते हैं आप नेक्स्ट पे फिर आता है आपका ट्रांजिट मिक्सचर जिसको हम आर बोलते हैं आर की फुल फॉर्म क्या होते हैं रेडी मिक्स कॉन्क्रीट आर में एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ जो ये पूरी मशीन है इस मशीन को बोलते हैं ट्रांजिट मिक्सचर और जो इसके अंदर होता है उसको बोलते हैं हम आर एमसी रेडी मिक्स कॉन्क्रीट बहुत से लोग पूरी मशीन को ही आरएमसी बोलते हैं ये पूरी मशीन का नाम इसका ट्रांजिट मिक्सचर होता है ओके गाइज फिर आता है आपका बैचिंग प्लांट बैचिंग प्लांट आपने देखा होगा कि बहुत से आपके तीन चार तरीके के सिलेंडर टाइप लगे होते हैं इसको बोलते हैं साइलो इसमें आपका एक में आपका कंक्रीट भरा होता है एक में सीमेंट होता है एक में एग्रीगेट होता है फिर आपका एडमिक्सचर्स होते हैं ये होती है आपकी कन्वेयर यहाँ पर के आपका आर फिल होता है और वो साइट पर जाता है और एक सॉफ्टवेयर होता है स्कैना नाम से उस स्कैना सॉफ्टवेयर पे आप जितना भी रेशियो होता है जैसे एम ट्वेंटी फाइव एम थर्टी एम ट्वेंटी फाइव एम ट्वेंटी तो इस ग्रेड के अकॉर्डिंगली

जो आपकी स्टील रॉड होती है वो आपको बेंड करनी होती है तो वो इसी के थ्रू यूज इसी के थ्रू बेंड होती है फिर चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ फिर आता है हमारा कॉम्पैक्शन कॉम्पैक्शन में हमारी कौन सी मशीन यूज होती है वाइब्रेटर वाइब्रेटर हमारा क्या काम करता है जैसे ही हमारा स्लैब कास्ट हो रहा होता है तो उसमें छोटे छोटे वॉइड्स रह जाते हैं उस वॉइड्स को खत्म करने के लिए हम वाइब्रेटर का यूज करते हैं ये इस तरीके से एक मशीन होती है जिसका पाइप एक निडल से कनेक्ट होता है इसको चलाते हैं तो ये वाइब्रेट करता है और जो वॉइड होते हैं उसको खत्म कर देता है चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ ये आप फोटो देख सकते हैं पिक्चर देख सकते हैं इसमें आप कुछ दिख रहा होगा कि ये एक निडिल लगी हुई है ये उस मशीन से कनेक्ट होती है ये वाइब्रेट करती है तो उसके जितने भी एयर वॉइड होते हैं वो खत्म हो जाते हैं नेक्स्ट चलते हैं हम लिफ्टिंग और हैंगिंग लिफ्टिंग और हैंगिंग में हमारी कौन सी मशीन यूज होती है सबसे पहले हमारी होती है टावर क्रेन लिफ्टिंग और हैंगिंग में भी हमारे हमारे पास बहुत सारी मशीन्स होती हैं जैसे कि आपकी एक टावर क्रेनि है एक मिनी टावर क्रेन भी होती है एक हाई भी होती है इसके बारे में हम दूसरे टॉपिक में दूसरी वीडियो में बात करेंगे उसमें मैं स्पेसिफिकेशन के साथ बहुत अच्छे से बताऊंगा बेसिकली हम इसे यूज क्यों करते हैं हमारी साइट पे बड़े बड़े टावर्स बन रहे होते हैं जैसे आपका कोई स्कूल बन रहा है कोई कॉलेज बन रहा है कोई स्काई स्काईस्कोपर बन रहा है या फिर बहुत बीस बीस मंजिल की तीस तीस मंजिल की इमारतें बन रही होती है तो उसके लिफ्टिंग के लिए हमें यह मशीन लगानी पड़ती है क्योंकि मैनुअली आप इतना लिफ्ट नहीं कर पाओगे इस वजह से ये बहुत जरूरी हो, जरूरी होती है सो so स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक एक मशीन के बारे में एक एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें आप उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन होगी कि उसका मंथली चार्ज क्या होगा मंथ उसका रेंट क्या होगा अगर आप उसको खरीदने जा रहे हैं तो उसका क्या प्राइस होगा तो स्टे ट्यून्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ थैंक यू सो मच